तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वो कहते हैं कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, और ये सारे नंबर्स हैं, बारी बारी आपने इसको सोल्व करना होगा। ये क्वेश्चन भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फार्मूलाज लिखता हूँ। तो मेरे पास दो फार्मूलाज थे, दो आइडेंटिटीज थी। तो एक आइडेंटिटी मेरे पास है ए का स्क्वायर, बल्कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। अब 2ab सेंटर में लिख लो या एंड पे लिख लो, एक ही बात है। और जो आपके पास दूसरा फार्मूला था, दूसरी आइडेंटिटी है, वो है a माइनस की, ठीक है। तो इनमें सिर्फ ऊपर वाले फार्मूले में, नीचे वाले फार्मूले में सिर्फ एक ही फर्क है कि आपके पास सिर्फ 2ab के साथ क्या है, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इन फार्मूलाज को आप लोगों ने याद कर लेना है, क्योंकि ये अब आपके थ्रू आउट मैथ के कैरियर में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसका फर्स्ट पार्ट है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो वो था आपके पास 57 का होल स्क्वायर, 57 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 57 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, और वो कैसे होगा, 57 होल स्क्वायर को आप ऐसे कर सकते हो, 57 किसके करीब करीब है, 50 का अगर करें तो 50 प्लस 7 आएगा, और 60 का करेंगे तो 60 माइनस 3 आएगा। तो बाद में आपको माइनस के तरीके से भी करा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें ये लिख लें, और चाहें आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 50 प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो दोनों तरीकों से आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो मैं आज आपको 60 माइनस 3 इस फॉर्मूले के तहत कराऊंगा। मैंने क्या किया, 57 होल स्क्वायर ये मेरे पास क्वेश्चन था, 57 को मैंने ब्रेक कर लिया 60 माइनस 3 में, क्योंकि 60 माइनस 3 आपके पास या 57 ही होता है, ठीक है। और 60 आपके पास मल्टीपल ऑफ 10 है, मैंने आपको कल भी बताया था कि आपने मल्टीपल ऑफ 10 के साथ इसको ब्रेक करना होगा। आप इसको 59 माइनस 2 नहीं कर सकते, आप इसको 58 माइनस 1 नहीं कर सकते, आप इसको 55 प्लस 2 नहीं कर सकते। हालांकि उससे भी सही आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका जो स्केल लेना है आगे, अगला जो स्टेप है ना, वो मुश्किल हो जाएगा। तो आसान तरीका इसका ये है कि मल्टीपल ऑफ 10 में उसको लेके जाओ, या तो 50 प्लस 7 कर लो या 60 माइनस 3 कर लो, लेकिन दोनों सूरतों में आपके पास 57 ही आ रहा है। ये 60 ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है, ये 50 ये भी मल्टीपल ऑफ 10 है। तो अब आपने करना क्या है कि इसका फॉर्मूला लगाते हैं। आइडेंटिटी आपके पास क्या थी, माइनस वाली, वो माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी आइडेंटिटी यहाँ पे लिखता हूँ, और वो है आपके पास ये, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, उसका आइडेंटिटी में उसको ब्रेक करना होगा। किस तरीके से ब्रेक करते हैं ये देखिए जरा, तो आपके पास ए माइनस बी की शक्ल में ये मौजूद है, और अब मैंने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी इस तरह की शक्ल में इसको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो देखिए जरा मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले ए का स्क्वायर मैं उसको ब्रैकेट में अरेंज कर लेता हूँ, प्लस बी का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, ठीक है। तो ब्रैकेट में अरेंज कर लोगे तो इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर था मैंने उसकी जगह ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर था मैंने उसकी जगह भी ब्रैकेट का स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2ab था मैंने ए और बी की जगह ब्रैकेट लगा दी। अब मुझे जो है वो ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। तो मैंने कल भी बताया था कि जो पहले वाली टर्म होगी वो आपके पास हमेशा ए होगी 60, तो इधर भी आ जाएगा आपके पास 60, और 2ab में ए की जगह इधर भी आ जाएगा 60, और बी आपके पास क्या होगा 3, तो इधर भी आ जाएगा आपके पास 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 0 1 है तो डबल 0 कर दो यूं, उसके बाद प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा माइनस, फिर 2 3 6। अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे मर्जी करवा लो। तो
पहले टू और थ्री छोटे नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, टू थ्री द सिक्स एंड सिक्स सिक्स द 36, तो इधर आ जाएगा आपके पास 36 और ये जीरो आपके पास आ गया, ठीक है। तो